रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इसी ने जगदीप धनखड़ को जारी किया देश के अगले उपराष्ट्रपति का सर्टिफिकेट, 11 अगस्त को लेंगे शपथ। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार इसी सप्ताह होगा, देवेंद्र फडणवीस के पास रह सकता है गृह मंत्रालय। देश में लोकतंत्र सांस लेने के लिए कर रहा है संघर्ष, संसद भी हुई निष्क्रिय, बोले कांग्रेस नेता चिदंबरम। दिल्ली में आईएसआई मॉड्यूल का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, कोर्ट ने एनआईए को सौंपी एक दिन की रिमांड। पैरा टेबल टेनिस में भारत की भाविना पटेल ने जीता सोना, भारत की झोली में आया 13वां गोल्ड, सोनल बेन पटेल के नाम ब्रॉन्ज। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। खबर औरैया से है, जहां हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थान जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है, जिसके चलते आवास विकास से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। वही यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। इस संबंध में व्यापारी नेता अनुराग अग्रवाल ने शहर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोग इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं। आज ये आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आवास विकास जन कल्याण समिति के बैनर तले ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि आवास विकास की प्रमुख सड़कों से होता हुआ सुभाष चंद्र की मूर्ति पर माल्यार्पण करके घूम रहा है। जनपद की जनता को क्या मैसेज देना चाहती है? जनपद की जनता को ये मैसेज है कि जो आजादी हमें मिली है ये यूं ही नहीं मिली है, इसमें सैकड़ों लाखों हिंदुस्तानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो ये निश्चित उनकी बदौलत है। तो आज हम इस मौके को ऐसे धूमधाम से मनाएं जैसे कि कोई पर्व मना रहे हैं। मामला हरदोई के कछौना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण संबंधी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि छात्र की गिरफ्तारी के बाद व्यापारियों में सुरक्षा की भावना का इजाफा हुआ है। साथ ही कार्रवाई में पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। थाना संडीला और थाना कछौना में इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्थापित हैं, अपना उद्योग व्यापार कर रही हैं। इसके बारे में सूचनाएं मिल रही थी कि विभिन्न लोग इनसे उगाही धन उगाही का प्रयास करते हैं, कभी पॉल्यूशन के नाम पर, कभी किसी लेबर कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि के नाम पर। इसमें जो है विगत में अभी DM साहब और मैं भ्रमण भी किए थे, लोगों की शिकायतें सुनी थी और मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था जनपदीय पुलिस को कि इसके बारे में पड़ताल करें। अभी जहाँ तक पता लगा है, यहाँ जनपद के हॉस्पिटल एक दो और औद्योगिक घरानों के साथ इसने ऐसा काम किया है, जिसकी पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर मैनपुरी जनपद के भोगांव कस्बे में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। साथ ही आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को भव्यता से मनाने के लिए सभी को प्रेरित भी किया। आपको बता दें कि इस रैली के माध्यम से उन्होंने लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि घरों में तिरंगा लगाने से सभी में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है। वहीं इस मौके पर उप जिलाधिकारी समेत कई गणमान्य नागरिकों ने भी भाग लिया। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जो हमारा आज़ादी का 75वां वर्ष है, उसमें हम लोग हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक बाइक रैली बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें आज पूरे जनपद में ये बाइक रैली निकाली जाएगी अलग अलग विकासखंडों में। उसी क्रम में विकासखंड सुल्तानगंज के भी जो हमारे शिक्षक संघ हुए हैं वो सभी आज इस बाइक रैली का नेतृत्व कर रहे हैं और इसके माध्यम से जो हर घर तिरंगा अभियान है उसको जन जन तक पहुंचाने की ये पहल है। सरकार, पार्टी, जनता सब इस काम में एकजुट होकर योजना बनाकर काम कर रहे हैं और हर घर पर तिरंगा लगाने का हमारा ये अभियान है, जिससे देशवासियों के अंदर
राष्ट्रभक्ति की भावना ये और प्रबल होगी और हमारा देश ये लोकतांत्रिक। बिजनौर के ताहरपुर की रहने वाली एक लड़की का विवाह लगभग 7 साल पहले न्यूयॉर्क के रहने वाले एक युवक से हुआ था, जिससे उसकी 2 बेटियां भी थी। इस बात से उसका पति व ससुराल वाले खुश नहीं थे और इस बात को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। वहीं इसके बाद ससुराल वालों ने लड़कियों का पालन पोषण के लिए 50 लाख रुपए की मांग करनी शुरू कर दी, जिससे तंग आकर लड़की ने सुसाइड कर ली। वहीं लड़की के घर वालों की भारत सरकार से मांग की है कि उनकी बेटी की डेड बॉडी भारत लाई जाए, साथ ही उसकी दोनों बेटियों को भी उन्हें सौंपा जाए। वहीं परिजनों ने लड़की के ससुराल का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया है, जिसमें लड़की का पति उसका गला घोटने की कोशिश करता नजर आ रहा है। जो 2 बेटियां थी उसकी, उनसे वो खुश नहीं था। वो बेटे की मांग करता था और यहाँ इंडिया में रह रहे सास ससुर भी बेटे की मांग करते थे और बेटे की मांग की वजह से उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे कि इतनी परेशान हो जाए, ये तलाक दे दे और वो किसी पीआर लड़की से शादी कर ले। बेटियाँ होने से पहले भी तंग करता था वो, लेकिन बेटी होने के बाद और ज़्यादा उसने अत्याचार करना चालू कर दिया। और फिर उसके बाद वो दूसरी बेटी हुई, दूसरी बेटी होकर और दुखी होने लगा, तू तो सिर्फ बेटियों को जन्म दे सकती है, बेटियों को जन्म दे सकती, बेटा तो दे नहीं सकती, मुझे बेटा चाहिए था। खबर जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां 24 वर्षीय युवक ने प्रेमिका के घर जाकर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। वही मामले में पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वही मामले पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, वही ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। था उसके बाद में उनको धमकी देते मारने के लिए, इसलिए वहाँ पे वो कहे कि मतलब हमको मार देंगे, हमारा लाश वहाँ से उठा लेना, कोई धमकी दे के जो मोबाइल साहब के पास है। कैसे जानकारी हुई आपको? हम लोग सुबह ढूंढने लगे, उसके बाद में इनके घर पे आए थे पूछने के लिए, कह रही हमारे घर पे नहीं है और लाश मतलब यहीं पे था। हम लोग ढूंढने गए थे मतलब स्टेशन से पूरा फिर के आए हैं। जिसका मृतक हुआ वो आपके कौन है? मेरा भाई। क्या नाम? संदीप। चलो भाई, ये थाना शौरतगढ़ क्षेत्र अंतर्गत महादेवा नानकाल गांव है, इसमें संदीप शर्मा नाम का एक व्यक्ति है, जिसकी रस्सी से लटकी हुई शव की सूचना प्राप्त हुई थी। ये शव इसकी बताया जा रहा है इसकी प्रेमिका के घर में प्राप्त हुआ है, इसमें पोस्टमार्टम के लिए इसके शव को भेज दिया गया है। इसके पास एक सुसाइड नोट भी प्राप्त होना पता चला है, जिसमें लिखा है कि जिस लड़की को भगाने के आरोप में ये बदनाम हो गया था, जिसके चलते इस प्रकार की ये घटना कर रहा है। खबर सिद्धार्थनगर के सदर थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर थाने की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर एक लूट की घटना का खुलासा किया। आपको बता दें, एक खाद व्यापारी से लुटेरे ने 51,000 रुपए लूट लिया था। यह घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और विशुनपुरवा मोड़ से इन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट के 51,000 रुपए, मोबाइल और कई सामान पुलिस को बरामद किया है। इसके साथ ही एसपी ने इस घटना का खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपए का इनाम दिया है। 3 अगस्त की शाम को इसमें वादी अब्दुल रहमान जब अपनी दुकान से घर को वापस जा रहे थे, तो बख्तावरपुर रोड के पास इनके साथ लूट की घटना हुई। इसमें थाना सिद्धार्थनगर की टीम एवं एसओजी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 48 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण किया है और इसमें 100% बरामदगी की है। जो पकड़े गए 3 अभियुक्त हैं अकरम, मुजम्मिल, इफराक, के तीनों ही कल्याणपुर थाना सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 51,000 रुपये और जो झोला जो उन्होंने लूटा था वो भी बरामद किया गया। गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एलिवेटेड रोड के नीचे हिंडन नदी में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। आपको बता दें कि युवक की उम्र करीब 22 से 25 साल की बताई जा रही है। वही स्थानीय लोगों ने बॉडी को किनारे करके पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल शव को शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये रात में शायद कूदा इसके अंदर, तो उन्होंने रात में निकालने का प्रयास किया था पर रात होने के कारण ये नहीं निकल पाया जी। तो अभी सुबह सुबह बॉडी फूल के बाहर आ गई बरसात के कारण, तो ये वहाँ से लंगर डालते हुए निकालने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं निकल पा रहा था। तो हमें मौके पे हमने देखा कि ये बॉडी तैरते हुए आ रही थी, तो हमने पुलिस को सूचना दी है। यहाँ की जो
112 नंबर पुलिस है, उनको हमने बुलाया है, वो भी आए हुए हैं। और बॉडी हमने इसको लंगर डाल के साइड में लगा दिया है, बॉडी साइड में पड़ी है, आप देख सकते हैं। खबर श्रावस्ती से है, जहां पुलिस महिलाओं के मामलों को लेकर सक्रिय है, जिसमें महिला प्रताड़ना, दहेज, लोभियों, बलात्कार और छेड़खानी के मामले को लेकर पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते पुलिस ने पीड़ित महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले और दूसरी शादी करके 3 तलाक देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा की मुहिम शाहजहांपुर में रंग ला रही है, जिसके चलते आज यूनिट संस्था की दर्जनों महिलाओं ने सोसाइटी के अलावा कई मोहल्लों में जाकर हर घर में तिरंगा फहराने के लिए तिरंगे बांटे। वहीं इस मुहिम को देखकर हर कोई महिलाओं की तारीफ कर रहा है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये हमारी राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से हर घर में, हर शहर में, हर जिले में मनाया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत आज यूनिटी संस्था की अध्यक्ष एकता अग्रवाल के नेतृत्व में हम सभी महिलाएं यहां पर एकत्रित हुई और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने सबको तिरंगे वितरित किए और अपने इस पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में हम लोगों ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है और हमारा तिरंगे की जो आन बान शान है। जैसा कि हमारी राज्य सरकार के द्वारा ये जो एक हफ्ते का आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हम इसको मनाने के लिए अग्रसर हैं। आज मित्रता दिवस है और हम सबसे पहले अपनी महिला मित्रों को इसकी खूब ढेर सारी शुभकामनाएँ दे रही हूँ। और जैसा कि इन लोगों का एक इन लोगों ने प्रण लिया है कि हम इस स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव को जो है 3 मुद्दों को लेकर के हम मना रहे हैं। एक तो पौधारोपण, दूसरा है हमारा महिला सशक्तिकरण और तीसरी राष्ट्रवाद की। गुंडा के कोतवाली देहात के खड़क की पट्टी में दबंगों ने 2 लोगों का लोहे की रॉड से जमकर पीटा। मामले के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर बेखौफ दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर बुलंदशहर से है, जहां आजादी के 75वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों को राजध्वज वितरण कर तिरंगा रैली निकाली। सावन के आखिरी सोमवार को हरिद्वार से आ रहे कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। आपको बता दें कि एसएसपी ने हर उस शहर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जहां से कांवड़ियों का जत्था निकलना है। वहीं श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए पहले से ही पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं एसएसपी का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि सभी श्रद्धालु बिना असुविधा के अपने घर पर पहुँच सके। और मुरादाबाद और आसपास रोहिलखंड एरिया में ये सोमवार सबसे बड़ा सोमवार माना जाता है और सारे जो जल लेने गए हैं, चाहे हरिद्वार गए हों या ब्रजघाट गए हों, सारे सेवक और कांवड़िए भारी संख्या में आज वापस आ रहे हैं। उनके परिवार भी इनको लेने के लिए वापस आ रहे हैं। सारी ट्रैफिक की ड्यूटियाँ, डाइवर्जन हमने मजबूत किया हुआ है, किसी को कोई समस्या न आए। लगातार प्रशासन और पुलिस उनके सहयोग में है, लगातार हम इसको देख रहे हैं। संख्या जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है और पूरा प्रयास, पूरी पुलिस लगी हुई है इनको सुविधा करने में, कंट्रोल करने में और एक मार्ग। बिजनौर के नजीबाबाद में आम जनता की सहायता के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण और बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी ने शिरकत की। आपको बता दें कि भाजपा नेता व समाज सेवी वसीम कुरैशी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। वहीं इस कार्यक्रम में फिल्म एक्टर सुनील शेट्टी को देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। इस दौरान कार्यक्रम में हंगामा हो गया। वहीं हंगामा होने पर युवक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
खबर और यह जनपद से है, जहां करीब 3 घंटे हुई बारिश ने नगर निगम पालिका की नालों की कराई गई सफाई की पोल खोल दी। आपको बता दें, तेज बारिश नगर की कई सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों पर लोगों को पानी में घुसकर निकलने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। ऐसे में किसी ने नगर पालिका परिषद जाकर जिम्मेदारों से सवाल करना चाहा तो वहां का नजारा किसी स्विमिंग पूल से कम नहीं था, क्योंकि नगर पालिका परिषद में भी भारी जल भराव देखने को मिला। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।